हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन बैंक क्राफ्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से हैंडमेड नेचुरल 100% नेचुरल सैनिटाइजर बनाना दिखाऊंगी और मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। गाइस जैसा आप सब जानते हैं अभी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया है और इस समय हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सैनिटाइजर्स की, जो भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। हम सभी को सैनिटाइजर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं मिल रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग सा रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको चार चीज़ों की मदद से बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क करने वाला सैनिटाइज़र बनाना दिखाऊंगी, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए तुलसी के पत्ते, यहाँ पे हमें 10 तुलसी के पत्ते लेने हैं। अब इसके बाद सेकेंड हमें चाहिए नीम के पत्ते, नीम के पत्ते यहाँ पे आपको 100 ग्राम लेने हैं। जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है फिटकरी, फिटकरी आपको 10 ग्राम्स लेनी है। आपको फिटकरी को पाउडर के फॉर्म में बना लेना है और वो आपको 10 ग्राम लेना है। और जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट होगा वो होगा कपूर, जो हम पूजा के टाइम कपूर का यूज़ करते हैं वो, ये आपको 10 ग्राम लेनी है। गाइज अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है एक स्टील का पॉट और उसमें आपको डालना है 1 लीटर वाटर। उसके बाद जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तुलसी लीफ, नीम लीफ, फिटकरी और कपूर, आपको वो सब उसके अंदर ऐड कर देना है और उसको 10 मिनट्स तक बॉयल होने देना है। उसके बाद आपको उसे स्ट्रेनर के थ्रू छान लेना है। छानने के बाद आप उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद जिस भी कंटेनर में आप उसको स्टोर करना चाहते हैं उस कंटेनर को पहले उसी लिक्विड से जो हमने सैनिटाइज़र तैयार किया है उसी से एक बार वॉश कर लीजिए और फिर आप उसको स्टोर कर लीजिए। गाइज ये जो सैनिटाइज़र आज हमने बनाना देखा इसे आप 1 वीक यानी कि 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। सपोज़ आपने अपने हाथों को सोप से वॉश किया है तो उसके बाद आप इस सैनिटाइज़र को अपने हाथों पे यूज़ कीजिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देगा और ये 100% नेचुरल है, बनाने में भी बहुत ही ईजी है, घर पर ही आप इसको तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर टैप करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।